तो अभी इसमें चेंज करना है, कंपनी में कुछ चेंज करना है तो कहां जाना है, F3 प्रेस करना है। वेरी गुड। यहां से ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप यहां पे एक बार क्लिक कर दीजिए और अब F3 प्रेस कीजिए। लीजिए ABCD ये कंपनी है, इसमें हमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, हमको नई कंपनी एक है मेरे पास, पहले की बनी हुई कंपनी है, नई नहीं है बल्कि पहले की बनी हुई कंपनी है, उसमें कुछ चेंज करना है, लाइक फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है या कुछ भी ऐसा चेंज करना है, तो हमको कहां जाना पड़ेगा, सेलेक्ट कंपनी पर जाना पड़ेगा। पहले हम उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, ये तो पुरानी कंपनी है जो हमने अभी एडिट किया है, ठीक है, हम एक और कंपनी चूज करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए कहां जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे, एंटर कीजिए। अब देखिए यहां बहुत सारी कंपनीज आपको दिखाई पड़ेंगी, यहां से आपको जो भी कंपनी में चेंज करना है वो कंपनी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी चूज करते हैं जिसमें पासवर्ड ना लगा हो, तो ये अभी कंप्यूटर है, इसमें शायद पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, इसको हमने ओपन कर लिया अभी कंप्यूटर, तो इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है और इसको अल्टर करना है, तो क्या करेंगे, F3, तो F3 प्रेस करेंगे और अब कंपनी में कुछ चेंजिंग करनी है, तो यहां से हम कहां चले जाएंगे, अल्टर पर, क्योंकि कंपनी को पहले ही हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो अब अल्टर कंपनी पे जाना है, तो अल्टर कंपनी पे जाकर एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये कंपनी कौन सी है वो चूज कर लीजिए, नीचे वाली कंपनी है अभी कंप्यूटर, इसी पर जाकर के एंटर प्रेस कर दीजिए। हाँ, तो ये एंटर प्रेस कर दिया। अब मान लीजिए कंपनी का नाम चेंज करना हो या फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो, सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर ही चेंज करना है, तो यहां हम एंटर 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 करके फाइनेंशियल ईयर पे जा सकते हैं या डायरेक्टली माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, मैंने क्लिक कर दिया है। अब हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 रखना है, ये 19-20 हो गया है, तो यहां पे करना है 18 एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए। अब ये कह रहा है, रुक जाइए, ये कह रहा है डेटा एंटर्ड बिफोर दिस डेट विल बी लॉस्ट, मतलब कि अगर डेटा, मतलब अगर आप चेंज करते हैं फाइनेंशियल ईयर तो आपको लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे डायरेक्टली एंटर, तो ये एंटर प्रेस कर दिया। अब ये कह रहा है देयर विल बी डाटा लॉस, आपका डाटा लॉस हो जाएगा, आर यू श्योर टू बी प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ने के लिए आप श्योर हैं, तो आप वाई प्रेस कर दीजिए सीधा, हम श्योर है। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, सीधा कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा डेटा आपका एक्सेप्ट हो गया। अब इसमें जब आप इसको अल्टर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें आपने चेंज क्या किया, यहां पे 2019 था तो हमने इसे 2018 कर दिया, तो ये हमने चेंज किया, तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं अल्टर पे जाके। समझ में आ गई बात? ओके।